हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ रहे बहुत ही टेस्टी सब्जी, आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से, जिस तरह हम बना रहे हैं, तो ज़रूर देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। पसंद ज़रूर आने वाला है, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, मैंने फूल गोभी ले लिया है, इस तरह से इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया और काट लिया है मैंने इसे छोटे पीसों में। और आलू ले लिया, इससे इस तरह इन्हें काट लिया हमने। अब पहले हम गोभी को फ्राई करेंगे। तो अब कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच हम सरसों का तेल लिया है। अब कोई भी तेल ले सकती हैं, लेकिन सरसों के तेल में सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो अब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें हम गोभी डाल देंगे। गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। गोभी फ्राई करके बनाइए, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है। गोभी बहुत अच्छी लगती है खाने में इस तरह से। तो अच्छे से इन्हें गोल्डन होने तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो हलवाई लोग होते हैं वो ज़्यादा तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो हम थोड़े तेल में ही थोड़ा सा फ्राई करें, क्योंकि घर पर बना रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन होते जा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। ये देखिए, इन्हें हम निकाल लेंगे अब। इस तरह ज़रूर बनाइएगा सब्जी, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसी तेल में आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे से देखिए फ्राई हो चुके हैं ये आलू भी। ये देखिए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह एक बार जरूर बना के देखिएगा, बहुत पसंद आने वाला। अब जो तेल बचे हुए हैं, इसी में हम 1 चम्मच के लगभग जीरा डाल देंगे। अब इसमें लहसुन, 7 से 8 लहसुन है, और थोड़ा सा मैंने अदरक, सभी को ग्रेट कर लिया अच्छे से। इन्हें भी डाल देते हैं, इन्हें चला लेते हैं अभी अच्छे से। ये देखिए हो गए हैं। अब 2 मिर्ची हम काट के डाल देंगे, हरी मिर्च। एक हम प्याज डालेंगे, इन्हें छोटे पीसों हमने काटा हुआ है। इन्हें गोल्डन होने, ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से पका लेते हैं हम। आपको ये सब्जी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप लोग करते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए, अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। 2 टमाटर मेरे देसी टमाटर है ये, इन्हें ग्रेट कर लिया हमने, इन्हें हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हम, स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे अच्छे से टमाटर पक जाएं आपके। देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं ये। अब इसमें मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम डाल दे रहे हैं, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर, अब हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा मसाले पक जाएं, इसके लिए 2 मिनट के लिए इन्हें ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। दो मिनट बाद देखिए कितने अच्छे से मसाले हो गए हैं आपके, तेल भी ऊपर आ गया है बिल्कुल। अब इसमें हम गोभी आलू को डाल देंगे। पहले गोभी डाल देते हैं, ये थोड़ा सा हम मटर डाल देंगे, इसमें मटर सीजन है तो काफ़ी अच्छे मटर आ रहे हैं। तो अब हम आलू डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
ये काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हम गरम मसाला डाल देंगे। तो सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो मसाला ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले हो जाएंगे तो बहुत अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा थोड़ा ही मसाला डालिएगा। अब अच्छे से हो गए हैं, अब इन्हें थोड़ा देर के लिए हम ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे मटर भी अच्छे से पक जाएंगे, सब्ज़ी भी आपकी और मसाले भी। ये देखिए 2 मिनट बाद देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए हो गए हैं ये। सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। काट के दिखा देते हैं आपको, आलू भी अच्छे से पक गए हैं, गोभी भी अच्छे से पक गई है। ये देखिए अब इसमें एक सीक्रेट चीज डाल दे रहे हैं, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाती है, और ये है घर की मलाई। जो दूध से हम लोग मलाई निकालते हैं वो है 1 से 2 चम्मच है। इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें हम डाल देंगे। इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें धनिया डाल देते हैं खूब ढेर सारा, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है आपकी, ये देखिए। तो इस तरह से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग करते हैं। और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, और खाने में बहुत ही टेस्टी है ये। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल देते हैं। ओके, प्लेट में मैंने निकाल लिया इन्हें। और इसे दाल चावल रोटी पराठे किसी से सर्व करिए, बहुत ही पसंद आएगा। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा पेज को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।